सभी टीम के कैप्टन तय हो गए। हमारी टीम का कैप्टन कौन बनेगा, कौन बनेगा, ये अब भी पहेली है। तो फिर दूसरी क्या है? मेरा मतलब आरसीबी का कप्तान कौन बनेगा, इसकी गुत्थी कौन सुलझाएगा। हाँ भाई, श्रेयस केकेआर का कैप्टन बन गया। सच कहूँ तो केकेआर ने मुझे कैप्टन बनाने के लिए ही रिटेन किया। मानना पड़ेगा भाई, कोहली छोड़ के इस बार सभी कैप्टन बन गए। लेकिन आरसीबी का कैप्टन कौन बनेगा, कौन बनेगा, हमें इस अड़चन से कौन बाहर निकालेगा। देखो भाई, सारे परेशानी का एक ही हल है और वो है मेरा छाता, लेकिन गलती से वो मैं ऑफिस में भूल आया। ए चल अपने छाता को मसीका, बड़ा छाता वाला। हम यहाँ आरसीबी के कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं और इसे अपने छाते की पड़ी है। अगर मैं आरसीबी में होता तो मैं कप्तानी कर लेता भाई, लेकिन क्या करूँ, आरसीबी के किस्मत में मैं नहीं था। एक काम करो, आप सब आरसीबी वाले लाइन में लग जाओ, मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे में करता हूँ, जिसका नंबर आया वो कैप्टन बन जाएगा। अरे आसान है भाई। ना मुन्ना ना, एक काम करो, अंताक्षरी खेलो, जो जीतेगा वो कैप्टन बनेगा। उससे पहले माय 11 सर्कल में फैंटेसी गेम खेलो, अब तो कर्नाटका में भी वापस आ गया है और वो भी नए ऑफर्स के साथ। बस अपनी टीम बना लो और अगर आपके प्लेयर्स अच्छे खेले तो ढेर सारे रिवॉर्ड्स जीतो। T20 के लिए यहाँ मेगा कॉन्टेस्ट चल रही है, इसमें जो फर्स्ट प्राइज जीतेगा ना उसे महिंद्रा की थार मिलेगी और साथ में 2 लाख का कैश रिवॉर्ड। आप यहाँ सीधा VBS लक्ष्मण के साथ खेल सकते हो और अगर आपने उनकी टीम को बीट किया तो आप 5 गुना ज्यादा कैश जीतोगे। मैं तो अभी खेलने वाला हूँ भाई। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे लिंक से जाके कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा और साथ में 1500 का वेलकम बोनस भी मिलेगा। माय 11 सर्कल ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी डाउनलोड करो। लेकिन सवाल अब भी है, क्या आरसीबी का कैप्टन कौन बनेगा? भाई केकेआर का कैप्टन मैं बन गया, अब मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। ये चापलूसी, खुद कैप्टन बन गया और बात हमारे कैप्टन चुनने की आई तो सुमड़े में उमड़े निकल गए। ये सुमड़े में उमड़े क्या होता है? ये एक मुहावरा है शर्मा जी। मुझे ये मुहावरा पसंद आया, लेकिन ये मेरी डायलॉग है, अगर इसे कॉपी करोगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार दूंगा। अगर इसे मैं यूज करूंगा तो? माही भाई, आपके लिए सब फ्री है, मैं आपको स्ट्राइक नहीं मारूंगा। और ये तो चापलूसी है, चापलूसी। ठीक है ठीक है, अब माही भाई से पूछते हैं। माही भाई बताइए, आरसीबी का कैप्टन कौन बनेगा? मेरे हिसाब से सबसे सही कैप्टन चिकू रहेगा। हाँ सही कहा, चिकू रहेगा मैम, लेकिन चिकू तो मैं ही हूँ, आप मेरी फिरकी क्यों ले रहे हो, मुझे छोड़ के बताइए। हर्षल पटेल को बना दो कैप्टन, कप्तानी करने का मोह मेरे अंदर क्या, सबके अंदर होता है, लेकिन जिस टीम में चिकू जैसे महान प्लेयर हो वहाँ मैं कप्तानी कैसे करूँगा भाई, इसकी मुझे अंदर से ग्लानी होगी। अरे भाई रुक जा, इतना बड़ा स्लोगन मत बोल। ये स्लोगन नहीं था, ये तो मेरे अंदर की पीड़ा थी आपके लिए, इसलिए कहता हूँ मुझे आरसीबी का कैप्टन बना दो, ना रहेगा बाज ना रहेगी चील। पहले मुहावरा सही से बोला सिख, बाद में कप्तानी करना। क्या यार, आप हमेशा मेरा पोपट कर देते हो, डायलॉग तो पूरी करने देते जाओ। भाई तेरे नाम में ही पोपट है। पोपट को कुछ मत बोलो वरना वो दुनिया हिला देगा। फिलहाल तो इन लोगों ने मुझे हिला डाला। बहुत हो गया बहुत हो गया, मजाक बहुत हो गया। अभी अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन बनेगा आरसीबी का कैप्टन, कौन बनेगा, जल्दी बताओ वरना मैं बन जाऊंगा। देखो चिकू भाई, मैं माही भाई की टीम से आरसीबी में आया सी, इसलिए मुझे कैप्टन बनाओगे सी तो फायदे में रहोगे सी। लेकिन डुप्लेसी जहाँ भी जाएगा सी उसे छाव ही लगेगी सी। माही भाई, मैं आपसे कप्तानी की टिप्स लूंगा सी। माही भाई, मैं भी टीम में हूँ, मुझे भी कप्तानी की लिस्ट में रखो। ए चल, पहले तू अपनी शादी निपटा ले, उसके बाद कप्तानी करना। क्या मैक्सवेल भी शादी कर रहा है, मेरी शादी कब होगी? और हाँ, लड़की इंडिया की है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा आरसीबी का कैप्टन, कमेंट करके बताइए। और माय 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कीजिए और 20% एक्स्ट्रा कैश पाइए, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।